قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आपकी तालीमात, आपकी अहादीस जिस इंसान के पास हों वो उसको दूसरों तक पहुंचाए। इसी के साथ साथ आपने ये भी कहा है कि वमन कذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, जो जानते बूझते मुझ पर झूठ कहे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। लिहाजा इल्मी एतबार से दो चीज़ें याद रखना ज़रूरी हैं। एक तो ये कि इंसान के पास जज्बाए तबलीग हो, दूसरी ये कि उसके पास एहतियात हो। बहुत सारे लोगों के पास तबलीग का, दावत का, लोगों तक हक बात पहुंचाने का जज्बा होता है लेकिन उनके पास दीन के मामले में एहतियात नहीं होता है। फिर जब वो लोगों को दीन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं तो फिर हदीसों में सही और ज़ईफ़, इसी तरह से दीन की बातों में अपनी तरफ से इजाफ़ा और किस्से कहानियों से शरीयत के मसाइल हल करना, इस तरह की गलतियों का इर्तिकाब करते हैं। लिहाजा आदमी को चाहिए कि अगर लोगों की हिदायत का वो तालिब है और उसके दिल में तबलीग की, दावत की, इस्लाह की तड़प और तलब है, उसको ये भी चाहिए कि वो इस सिलसिले में जो भी गुफ्तगू करे उसमें बद एहतियाती ना करें। गलती हर इंसान से होती है, भूल चूक हो जाना एक और बात है, लेकिन बिला तहकीक एक आदमी लोगों के दरमियान दीन के बजाय किसी और बात को बयान करे और उसको दीन के नाम पर बयान करे, ये जायज़ नहीं है। लिहाजा ये बुनियादी बात है जिसको याद रखना चाहिए। कुछ सवालात इस सिलसिले में जो पिछले दर्स में आए या उसके अलावा भी हैं, तो एक एक करके जिनका इल्म मुझको है मैं इंशाल्लाह उस बारे में जो कुछ मैं जानता हूँ आपके सामने रखूँगा। सवाल है कि प्लीज़ टेल अस अबाउट अहलुल फतरा, कैन एनीवन बिलोंग टू अहलुल फतरा इन दिस टाइम। यानी अहलुल फतरा के बारे में बताइए कि क्या इस दौर में भी कोई अहलुल फतरा में से हो सकता है। फतरा के माना एक दौर के होते हैं, ऐसा दौर जो दरमियानी दौर होता है, गैप या ब्रेक उसको कहते हैं। और फतरा अरबी ज़बान में रुकने, थकने के लिए भी आता है, तो फमन फतरा फलियक़ुद, इस तरह से भी हदीस में आए। तो फतरा के माना होते हैं यानी रुक जाना, फतरा। फितरा अलग है, फतरा अलग है। अहलुल फतरा कौन है? अहलुल फतरा उनको कहते हैं जो उस दौर में थे जिसमें कोई नबी मौजूद नहीं था। नबियों का सिलसिला, एक नबी आके चले जाते थे, उसके बाद में दरमियान में कोई वक्त होता था जिसमें कोई नबी नहीं था, फिर कोई नबी आता था। तो अहलुल फतरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का वो ज़माना, मसलन ईसा अलैहि सलाम आके चले गए, उसके बाद एक लंबा ज़माना गुजरा, या मक्का में तकरीबन इस्माईल अलैहि सलाम के बाद और कोई नबी नहीं आया। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया लितुनज़िरा क़ौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। ऐ नबी, हमने आपको इसलिए भेजा है ताकि आप एक ऐसी कौम को ख़बरदार कर दें जिनके पास कोई डराने वाला नहीं आया है। लिहाजा नतीजा ये है कि वो लोग गफलत में पड़े हुए हैं। तो लितुनज़िरा क़ौमन मा उनज़िरा आबाउहुम, ताकि आप एक ऐसी कौम को ख़बरदार करें जिनके बाप दादा को ख़बरदार नहीं किया गया था। तो ऐसा कोई ज़माना जिसमें नबी नहीं है, नबी था, नबी नहीं था, उस दौर को फतरा कहते हैं, उस दौर के लोगों को अहलुल फतरा कहते हैं। ये सवाल क्यों कि अहलुल फतरा के बारे में क्या मसला है? मसला ये है कि एक इंसान के जहन में बात आती है कि वो लोग जिन तक हक नहीं पहुंचा और वो गलत ज़िंदगी गुजार के मर गए, अल्लाह के नज़दीक वो जन्नती हैं, जहन्नमी हैं या क्या हैं? इस वजह से ये सवाल खड़ा होता है कि अहलुल फतरा का क्या है। इस्लाम में उसूल ये है और कुरान में भी उसूल दिया गया है,
अल्लाह ने फरमाया वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअथ रसूला, हम अजाब नहीं देते हैं किसी को भी जब तक कि उसके पास हम रसूल नहीं भेज देते हैं। यानी अल्लाह का कायदा यह है कि अल्लाह के यहाँ वही आदमी अजाब का हकदार बनता है जिसके पास अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर पैगंबर गया, उसको पैगाम दिया, उसने नहीं माना, तब जाके वो मुजरिम होता है। लेकिन अगर किसी के पास पैगाम हो ही नहीं, उसको हक मालूम ही ना हो, तो अल्लाह के यहाँ क्या ऐसा आदमी मुजरिम होता है? तो अहले सुन्नत वल जमा का अकीदा यह है कि जो आदमी हक नहीं जानता वो मुजरिम नहीं होता है। अल्लाह ताला ने, आप देखिए कुरान करीम में क्या फ़रमाया, वमन युशाक़िक़ अर्रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि ग़ैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। जो कोई रसूल की मुखालफत करे, वमन युशाक़िक़ अर्रसूल, जो कोई रसूल की खिलाफ वर्जी मुखालफत और महाज़ाराई रसूल से करे, और अल्लाह ने फरमाया मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद भी, वयत्तबि ग़ैर सबीलिल मुमिनीन, और ईमान वालों का रास्ता छोड़ के कोई और राह इख्तियार करे, नुवल्लिहि मा तवल्ला, जहाँ वो मुड़ा है हम उसको वहीं मोड़ देंगे, वनुस्लिहि जहन्नम, और जहन्नम में पहुँचा देंगे, वसाअत मसीरा, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। तो यहाँ एक कैद अल्लाह ने बताई कि रसूल की मुखालफत करे हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद। मालूम हुआ कि जो आदमी हिदायत के वाज़े होने के बाद रसूल से हट के चलता है वो आदमी गुमराह है। लेकिन एक आदमी अगर मान लीजिए उसको रसूल की बात ही नहीं पहुंची और उसका अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो, तो क्या ऐसा आदमी मुजरिम होता है? ऐसा आदमी मुजरिम नहीं होता है अगर उस आदमी ने अपनी ताकत के बक़दर तहकीक की लेकिन फिर भी उस तक हक नहीं पहुंचा और उसने गलत अमल कर दिया, उसको मालूम नहीं था कि ये चीज़ गलत है, तो ऐसा आदमी मुजरिम नहीं होता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहले मस्जिद अक्सा की तरफ, बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा करते थे, जैसे पहले से वो क़िबला चला आ रहा था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयतें नाजिल की, फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। अब क़िबला तब्दील हो गया, अब पिछला क़िबला मनसूख हो गया, अब उसकी तरफ नमाज पढ़ना जायज़ नहीं रहा। कुछ सहाबा थे जो मस्जिद में उसी क़िबले की तरफ नमाज पढ़ रहे थे। एक सहाबी वहाँ से गुजरे, देखा कि ये लोग अभी तो उसी क़िबले की तरफ हैं, बाहर ही से उसने आवाज़ दे के उनसे कहा अब तक तुम उसी क़िबले की तरफ नमाज पढ़ रहे हो, यहाँ तक कि हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयतें आई हैं और क़िबला तब्दील कर दिया जा चुका है। वो लोग नमाज ही में, रुकू में थे इमाम और मुक्तदी सब, नमाज ही में उन्होंने क्या कर दिया, क़िबला तब्दील कर दिया। उलमा ने इससे इस्तदलाल किया है कि उनकी नमाज बातिल क्यों नहीं हुई, इसलिए कि उन तक उस वक्त में इल्म नहीं था, जो वो जानते थे उसी पर अमल कर रहे थे। अब जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने नमाज की हालत में क़िबला तब्दील कर दिया। मालूम हुआ कि आदमी हक पर चलने का मुकल्लफ उस वक्त होता है जब हक उसके पास पहुंचता है। पिछली नमाज बातिल हुई नहीं, आयतें तो आ चुकी हैं, पिछली नमाज बातिल क्यों नहीं हुई, इसलिए कि वो उसी पर अमल कर रहे थे जो पहले से जानते थे। तो एक आदमी जब तक के हक नहीं पहुंचता है उस वक्त तक के उसका मुकल्लफ नहीं होता है, उसकी मुखालफत जानबूझकर जब करता है तब वो मुजरिम बनता है। अब ऐसे लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे, जिन तक हक नहीं पहुंचा, उस ज़माने में कोई नबी नहीं था, तो ऐसे लोगों का क्या? मुसनद अहमद की हदीस में, जिसको और भी मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है, तबरानी वगैरह के हवाले से भी, इब्ने कसीर ने सूरह बनी इसराइल की इसी आयत के ज़िमन में वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअथ रसूला, हम रसूल नहीं भेजते जब तक के, हम अजाब नहीं देते जब तक के रसूल नहीं भेजते, इसके ज़िमन में उन्होंने कहा कि चार किस्म के लोग क़ियामत के दिन अल्लाह के यहाँ लाए जाएंगे। एक वो आदमी जो पागल था, मजनून था, एक वो आदमी जो बहुत ही बूढ़ा था, एक वो आदमी जो बहरा था, और एक आदमी जो फतरा में मरा है। बहुत बूढ़ा आदमी था, वो कहेगा अल्लाह मेरी अकल ही ख़राब हो गई थी बुढ़ापे में, मेरे को समझ में नहीं आता था मुझको कुछ, तो मैं क्या करूँ, मुझको हक आया लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, एकदम बुढ़ापे की उम्र को पहुँचने वाला आदमी। और वो आदमी जो मजनून था कहेगा मैं तो लोगों को पत्थर मारता था, मेंगियाँ फेंकता था, मेरी तरफ लोग पत्थर फेंकते थे, मैं नहीं समझा, हक आया लेकिन मुझको समझ में नहीं आया। बहरा कहेगा मैंने हक सुना ही नहीं। अहले फतरा वाला कहेगा मेरे तक हक पहुँचा ही नहीं। तीन कैटेगरीज हुई इसमें।
पहुंचा नहीं, पहुंचा लेकिन सुना नहीं, सुना लेकिन समझा नहीं। तीन किस्म के लोग हुए। अल्लाह ताला उनसे कहेगा ठीक है, अब अगर तुमको हुक्म दिया जाएगा जो भी वो मानोगे, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल। अल्लाह वादा लेगा उनसे, मानोगे तुम लोग? हाँ मानेंगे। अल्लाह जो हुक्म तू देगा हम मानेंगे। अल्लाह कहेगा आग में कूदो, कूदो जहन्नम में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की कसम जो लोग उस जहन्नम में कूद जाएंगे वो आग उनके लिए बर्दन व सलामन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वैसे हुआ था, कुलना या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, वो उनके लिए ठंडी हो जाएगी, सलामती वाली हो जाएगी, और फिर उन्हें वहाँ से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा, और जो नहीं कूदेंगे उनको घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जवाब इसमें यह है कि अहलुल फतरा जो हैं उनके लिए ये हुक्म है कि क़यामत के दिन उनका इम्तहान होगा, जिसमें वो कामयाब होंगे तो जन्नत में जाएंगे, नहीं होंगे तो जहन्नम में जाएंगे। क्या इस दौर में भी अहलुल फतरा हो सकते हैं? इस दौर में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो दूर दराज के इलाकों में होने की वजह से हक उन तक ना पहुँचे, ऐसे इस दौर में क़यामत तक हो सकते हैं। तो इसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं, एक ही सवाल में पूरा वक्त हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे लोग इस दौर में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आयत आम है, और इसके अलावा भी और आयतें हैं जिससे मालूम होता है कि जब हक पहुँचे तभी आदमी उसका मुकल्लफ होता है। इसीलिए कुरान में देखिए आप, आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने भेजा क्या फरमाया, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला यज़िल्लु वला यशका, फिर जब मेरी तरफ से अगर तुम्हारे में से किसी के पास हिदायत आए तो फिर जो उसकी पैरवी करें तो वो आखिरत में नाकाम और शकी नहीं होगा, गुमराह नहीं होगा और शकी नहीं होगा। तो फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, इसको शर्तिया जुमला कहना कि फिर अगर तुम में से किसी के पास मेरी हिदायत आए, तो इससे भी मालूम होता है कि किसी के पास आएगी, किसी के पास नहीं भी आएगी, तो जब आएगी तो मुकल्लफ बनेगा। क्या बाइबल, गीता और दीगर मजहबी किताबों से तौहीद की तरफ बुलाना सही है? तौहीद की किताब जब है तो दूसरी किताबों की क्या ज़रूरत है? तौहीद की किताब कौन सी है? तौहीद की किताब कुरान है। तौहीद के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब कुरान और सुन्नत हमारे पास है तो एक आदमी ये क्यों मतलब दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें? कुरान और सुन्नत से साबित करना ज़्यादा अच्छा है या दूसरी किताबों से? तो कुरान और सुन्नत बिला शुबा, कुरान ऐसी किताब है जिसमें तौहीद यानी बिल्कुल पक्के तौर पर समझाई गई है। तो हमको कुरान और सुन्नत छोड़ के दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन भी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाइबल वाले थे। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे ऐसा, बाइबल चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 3? साहबा ऐसा करते थे, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग, वहाँ मदीना में यहूद नसारा नहीं थे, क्या साहबा ऐसा करते थे? नहीं। कभी ज़रूरत पड़ जाए, देखिए एक होता है कि डेली उसको अपने बगल में दबा के बाइबल घूमना, कुरान की आयतें सही पढ़ने नहीं आना नमाज में, लेकिन बाइबल की आयतें बराबर उसके जो भी वर्सेस है याद हों, और गीता के भी श्लोक उसको याद हों एकदम तजवीद के साथ, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ो बोले तो तजवीद नहीं आती, इसलिए कि टाइम उसके लिए नहीं है। ये गलत है, वरना आप देखेंगे कि बड़े बड़े उलमा जैसे इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 6 जिल्दों में किताब लिखी है, अलजवाब सहीह लिमन बदल दीन अलमसीह, 6 जिल्दों में ईसाइयों के रद्द में किताब लिखी है। तो जो आदमी कुरान और सुन्नत के इल्म में पुख्ता है, कुरान और सुन्नत के इल्म में पुख्ता है, ऐसा आदमी बवक्त ज़रूरत कहीं से अगर इस्तदलाल करता है उनकी किताबों से जो कुरान और सुन्नत जानता है गहराई के साथ में, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जो आदमी कुरान और सुन्नत ढंग से समझना तो दूर, पढ़ना भी नहीं जानता है, वह आदमी बाइबल की श्लोक पढ़ना, इसके गीता के श्लोक पढ़े, बाइबल की वर्सेस पढ़े, यहाँ तक कि हिब्रू की भी याद कर ले, यहाँ तक कि बिल्कुल लैटिन में याद कर ले, वो ज़बानों में आ जाए, वो ग्रीक में इसे याद कर करके सुनाए, एलोहिम का ये मतलब है और पेरिक्लिटोस का ये मतलब है, ये सब चीज़ करना शुरू कर दे, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि हमारे लिए कुरान और सुन्नत काफ़ी है, हमारे लिए भी, दूसरों के लिए भी। अल्लाह ताला ने इस किताब को भेजा सारी इंसानियत के लिए, हिदायत के लिए। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, रमदान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए क्या है, हिदायत है। हिदायत इसमें जब है तो आप इधर उधर काहे को जा रहे हैं?
यानी एक आदमी के पास अगर ट्यूबलाइट है, टॉर्च उसके पास है, वो मोमबत्ती ढूंढने जा रहा काय के लिए, उसके पास ये है ज़्यादा परमानेंट लाइट, उसके पास है अच्छी लाइट, उसके पास है दूसरी लाइट क्यों, दूसरी रोशनी क्यों जो बुझ सकती है। तो यकीनी रोशनी कुरान और सुन्नत है, इसको इस्तेमाल करें बकदर हाजत, उससे इस्तदलाल। कभी कोई आदमी सुन रहा ही नहीं तो उसको बताने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन ये कि आओ हम तुमको दावत देते हैं, फिर उसकी श्लोक पढ़ के सुना रहा, फिर एंड में कहीं तो जाके एक आध आयत पढ़ रहा, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, साहब ऐसा नहीं करते थे। क्या दीनी बयाना सुनकर तालियां बजाना सही है? ना तालियां सही हैं ना गालियां सही हैं, दोनों भी सही नहीं है। तालियां बजाना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुशरिकीन के बारे में फरमाया, वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया। मुशरिकीन की नमाज काबा के पास, अल्लाह के घर के पास, सीटी बजाना और ताली बजाना थी। तस्दिया, तस्दिया ताली बजाने को कहते हैं। तो मुशरिकीन का इबादत का तरीका था ताली बजाना, तो इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगर कोई कहता है मुशरिकीन का तरीका अलग था, ये नहीं था, तब भी ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये तरीका मुसलमानों का नहीं है, गैर मुस्लिमों का तरीका किसी भी चीज़ पर ताली बजाना, तो ये सही नहीं है, ताली नहीं बजाना चाहिए। वैसे जानवरों में से बंदर भी बजाता है ताली। ताजुब है कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में इस तरह की तालियां वगैरह होती हैं और कोई मना करने वाला नहीं होता है। देखिए लोग तो नहीं जानते, बेचारे करते हैं, लेकिन जो जानता है वो बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है, इस्लाम में नहीं है। आप सोचिए साहबत हर बात पे ताली बजा रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखिए कहीं पे, हमारा तरीका नहीं है ये, हमारा तरीका नहीं है। कैन द फॉलोइंग इंसिडेंट्स बी यूज फॉर स्क्रिप्चर दावा नरेट फ्रॉम बनी इसराइल। वही बात मैं समझता हूँ, इंसिडेंट ऑफ द ज्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम एट डेथ बेड, हाउ टू इंट्रोड्यूस अल्लाह इस्लाम एंड स्पेशली टू हिंदू। देखिए यानि क्या दूसरी कौमों के सहीफ़ों से इस्तदलाल किया जा सकता है दावत के लिए? तो मैंने उसका जवाब दे दिया है, बकदर हाजत कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरत है उससे काम ज़रूरी पड़ गया। किसी ने कहा कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने निकाह कैसे हुए, अब उसको बताने के लिए कह सकते हैं, देखिए आपकी किताब में इतने सारे प्रॉफिट्स थे, उनके भी एक से ज़्यादा मैरिज थे, तो आपकी हिस्ट्री में ये चीज़ है, अगर ये गलत है तो भी ये भी गलत है। ऐसा बताने के लिए बतौर इस्तदलाल जिक्र कर सकते हैं, नहीं कि पूरा ओढ़ना बिछोना उसको आप बना लें। इसी तरह से कि एक शख्स को अल्लाह के नबी, नौजवान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर मर्ग पर दावत दी थी, यानी वो मरने के करीब था तो आपने दावत दी थी, बिलाशुबा उनको दावत देना चाहिए, लेकिन आपने बाइबल पढ़ के दावत नहीं दी थी उसको, आपने उससे कहा था कि इस्लाम कबूल करो, क्योंकि आपने आम तौर से इस्लाम की दावत दे दी थी, बस आपको इतना बोलने की ज़रूरत हुआ करती थी कि इस्लाम कबूल करो, क्योंकि आपने इतना आम कर दिया था इस्लाम को। इसी तरह से एक वाक़े में आपको मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूद ने इनकार किया था रजम की सज़ा, तो उस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ सहाबी थे अब्दुल्लाह इब्न सलाम, तो उन्होंने कहा था कि लाओ, आपने ख़ुद कहा कि लाओ तौरात का नुस्खा ले आओ, और आपने उसमें से बताया था उनको कि यानी वो आयत कहाँ पर है, ख़ुद उनकी किताब में वो है। तो अगर वो किसी चीज़ का इनकार करते हैं तो उन पर हुज्जत तमाम करने के लिए कि तुम्हारी किताब में ख़ुद ऐसा है बताया जा सकता है, लेकिन मुस्तकिल उसको दावत का तरीका कार बना लेना और हर बात में उससे दलील देना ये सही नहीं है। ऐसा भी केसेस हुए हैं और हमारे सामने हुए हैं कुछ लोगों के, कि उन्होंने कहा कि अच्छा आज मालूम पड़ा हम में तुम में कोई फ़र्क नहीं है, तुम तुम्हारी जगह सही हो, हम हमारी जगह सही है, हमारी बात भी तुम्हारे इस्लाम में है, यानी हम अपनी जगह सही है, अब हमको धर्मांतरण की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम सब हमारा तुम्हारी किताब में है और तुम्हारी किताब का सब हमारी किताब में, तो तुम तुम्हारी किताब पे चलो, हम हमारी किताब पे, कोई झगड़ा ख़त्म, कोई झगड़ा नहीं। फिर क्या बोलेंगे आप उसके बाद, नहीं नहीं तुम्हारा गलत है, फिर गलत है तो दलील उसमें से तो बताए ना, तुम्हारे इस्लाम की इसमें से अब गलत क्यों है? तो इससे उल्टा मामला हो जाता है, ऐसा करने से मामला उल्टा होता है। क्या दीन की दावत में नॉन मुस्लिम स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये जवाब दे चुका हूँ मैं। क्या लिबास ड्रेस चेंज करना ज़रूरी है दावत में? नहीं, आप जो कपड़े पहने हुए उसमें दावत दे सकते हैं, घर से कपड़े बदल के आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कोई पूछ रहा है कि क्या कुर्ता पजामा जुब्बा वगैरह पहनना ही ज़रूरी दावत के लिए, मैं कहूँगा फ़र्ज़ के दर्जे में तो नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस तबके में दावत दे रहे हैं।
ख़ास तौर से आप मुसलमानों के अंदर दावत व तबलीग की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, तो कोई आदमी पैंट शर्ट और एकदम टाइट कपड़े पहना हुआ है, टी शर्ट है उस पर नाइकी की कैप उल्टी पहना हुआ है, एकदम ऐसा यहाँ पे एकदम कुछ लिखा हुआ है, रेबैन का गॉगल पहना हुआ है, कोई आदमी उसको दीनी निगाह से नहीं देखता है। इसलिए कि लोगों के लिए एक चीज़ को एक्सेप्टेबल करने के लिए एक आदमी को उनके रोड़े रुकावटें दूर करना चाहिए कि किस चीज़ की वजह से लोग बात नहीं मानते हैं। कोई आदमी है एकदम, आप सोचिए शेख सुदेश अगर जीन्स पैंट पहन के टी शर्ट पहन के इंडिया में आए गॉगल वगल लगा के एकदम, तो आप उनको मतलब पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि आपके जहन में उनकी एक तस्वीर है कि ये मुसलमानों के इतने बड़े हरम के इमाम हैं। हरम में वो आ गए एकदम जीन्स पैंट पहन के, एक बैगी पैंट पहन के आ रहे, बर्मुडा पहन के, कुछ भी इस तरह करके आए, आपको बुरा नहीं लगेगा? कितना ख़राब लगेगा आपको, टी शर्ट पहने हुए एकदम सज्दे में जा रहे हैं तो फिर पीठ भी दिखाई दे रही है पूरी, और कैप भी ऐसी पहने हुए एकदम उल्टी करके चलता ना, टोपी ऐसी भी चलती उसके ऊपर इमामा डाले हुए, चलेगा आपको? नहीं लगेगा, बुरा लगेगा आपको। अब उनको सब ठीक है, नमाज तो हो गई लेकिन ये बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दावत से जुड़ी हुई शख्सियात को ऐसा लिबास और पहनाव अपनाना चाहिए कि जो एक दीनी तशख़्स इख्तियार किए हुए है। हम ये नहीं कहेंगे पैंट शर्ट हराम है, बहुत सारे लोग इसमें भी गुलू करने लग जाते हैं कि बिल्कुल हराम है, ये भी गलत है। लेकिन आप ये कर सकते हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप उसके लिए जो ड्रेस आपको लगता है आप ठीक है, आप उसके लिए कोट पहने, उसके लिए आपने पूरा मतलब पैंट शर्ट पहना, जॉब से आ गए आप, उसके बाद जब दीनी आप माहौल में हैं आप थोड़ा कुर्ता पाजामा या जुब्बा या जो भी आपको लगता है ढीला ढाला लिबास जो नमाज और दीनी माशरे में इमाम साहब वगैरह पहनते हैं, ऐसे कपड़े आप पहने, बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है, लाजिम नहीं है। मुकल्लिदीन हज़रात कहते हैं कि गैर मुकल्लिदीन जो हदीस को सही या ज़ईफ़ या रावी को सिका या ज़ईफ़ कहते हैं, ये किसका फ़ैसला है? अल्लाह उसके रसूल का? फिर तुम भी उम्मती का कौल बिला दलील मानते हो, किसी मुहद्दिस के कौल की तकलीद करते हो? देखिए ये बहुत बड़ी गलत फहमी हमारे बाज़ भाई जो इमामों को मानने का दावा करते हैं, हम भी इमामों को मानते हैं लेकिन हम किसी एक को नहीं, हम चारों को मानते हैं, तो और चारों की भी मानते हैं, किसी एक ही की मानना, चार तीन की नहीं मानना हमारे नज़दीक जुल्म है। यानी एक आदमी कहे मैं सिर्फ अब्बू की मानूंगा, चाचा की किसी की भी नहीं मानूंगा, तो ये बात गलत है। हम ये कहते हैं जिसकी बात सही है उसकी बात हम मानते हैं, जिसकी बात ज़्यादा मजबूत है उसकी बात हम मानते हैं, तो इस तरह का तासुब हम नहीं करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि आप जब कहते हो कि हदीस सही है या ज़ईफ़ और ये रावी मोतबर है, फ़िका है या ज़ईफ़ है या जो भी उसके बारे में तफसीर मुनकर और हदीस है या जो भी है, तो तुम उम्मती की बात मानते हो, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वह हदीस ज़ईफ़ है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये रावी ज़ईफ़ है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा तो फिर तुम फ़लाँ के बोलने से जब बोल रहे हो तो तुम उसके मुकल्लिद हो, ये बात सही नहीं है। इसलिए कि रावी के बारे में जब फ़ैसला दिया जाता है कि ये रावी मोतबर है ये रावी मोतबर नहीं है, तो ये गवाही होती है, और गवाही का मानना अगर सच्चे की गवाही है तो लाजिम है, गवाही अगर सच्चे की है तो लाजिम है। मिसाल के तौर पर आप सिंपल इसको तकलीद अगर कहने लगें तो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपको मुकल्लिद मानना पड़ेगा। कैसे? आपके पास आया आदमी कहा कि मैंने चांद देखा, गवाही दी, आपने माने कि नहीं माने? तो गवाही माने तो क्या हो गई अभी वो तकलीद। तो नऊज़ु बिल्लाह हर साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते थे चांद के सिलसिले में दो बार, यही मतलब निकलेगा। गवाही मानना तकलीद नहीं है। वो आदमी मोतबर है कि नहीं, अब कोई सहाबी कहे कि वो आदमी मेरे नज़दीक मोतबर है, ये आदमी इसने ऐसा ऐसा बुरा काम किया, ये बुरा आदमी है, तो अगर कोई आदमी आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गवाही देता है तो क्या जज के सामने काजी के सामने अगर कोई गवाही दे हाँ मैंने देखा इसने कत्ल किया, काजी साहब मुल्क के बड़े काजी हैं, मुफ्ती हैं, बड़े आलिम हैं, सब पढ़े हुए हैं, अब एक आदमी आम आदमी उसको कुछ आता नहीं पढ़ना लिखना लेकिन सच्चा है, वो आके बोलता है कि मुफ्ती साहब आलिम साहब काजी साहब इस आदमी ने उसको मारा, इसकी गवाही अगर वो कबूल करते हैं ये आदमी बुरा है ये अच्छा है, अगर मुफ्ती साहब काजी साहब उसकी गवाही अगर कबूल करते हैं क्या मुफ्ती साहब भी उसके मुकल्लिद हो गए? नहीं। तो मालूम हुआ कि किसी इंसान के बारे में मोतबर और गैर मोतबर की गवाही कबूल करना तकलीद नहीं होता है। ये
ऐसा मसला है कि आम तौर से फ़िक़्ह की किताब में लिखा हुआ है कि काजी का गवाहों की गवाही कबूल करना तकलीद नहीं है, आम तौर से हनफी हजरात की, शाफी हजरात की किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि आदमी को इल्म नहीं होता है वो इस तरह की गलत फहमी में मुब्तला हो जाता है। तो उम्मती का कौल मानना क़ुरान सुन्नत के मुकाबले में गलत है। लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि भाई मुझको क़िबला समझ में नहीं आ रहा, कहाँ है क़िबला, वो कहे कि देखिए यहाँ क़िबला है, इसको मालूम है, इलाकाई आदमी है, उसको मालूम है यहाँ क़िबला है। घर में किसी के आप गए, उसके आप मेहमान हैं, अब उससे आपने पूछा भाई क़िबला कहाँ है, उसने बताया यहाँ क़िबला है, तो अब क्या आप उसके इमाम साहब उसके घर में आए मेहमान के तौर पर, बड़े मुफ्ती साहब उसके पास आए, वो बेचारा गरीब आदमी, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, इतना मालूम है लेकिन क़िबला इधर है, तो उस आदमी से मुफ्ती साहब पूछे भाई क़िबला कहाँ है, बोले यहाँ है, अब हो गए मुकल्लिद उसके भी। तो आप सोचिए कि मतलब गवाही मानना तकलीद तकलीद नहीं है। तो हम उलमा की जो गवाही मानते हैं रावियों के बारे में, तो वो तकलीद नहीं होती है। दूसरे ये कि हम उलमा के इज्तिहादात को तस्लीम जो करते हैं वो क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में है तो कबूल करते हैं, और उसके ख़िलाफ़ है तो कबूल नहीं करते हैं। तो ये उसूल उम्मत के लिए अल्लाह उसके रसूल ने दिया है कि जिसकी बात सही है उसकी बात मानी जाए और दलील से टकराती है, फ़इन तनाज़अ तुम फ़ी शैइन फ़रदूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हें आपस में इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ मामला पलटा दो। क्यों? फ़ैसले के लिए। तो इख्तलाफ का फ़ैसला किताब व सुन्नत की रोशनी में होना चाहिए। तो ये उसूल हमारा भी है, चार इमामों में इख्तलाफ है, किताब व सुन्नत की रोशनी में जिसकी बात सही है मानो, ये मत देखो हमारा इमाम कौन सा उनका इमाम कौन सा, क्यों हमारा इमाम एक और बाकी हमारे नहीं, किसके वो फिर, वो भी हमारे हैं, चार इमाम हक पर और हमारे इमाम इमाम अबू हनीफा, ये कौन सा तरीका है, हमारे इमाम बाकी तीन क्यों नहीं, क्या बिगाड़े उन्होंने, हमारी जायदाद में से कुछ लिए, हमको कुछ नुकसान पहुँचाए, क्या किए उन्होंने हमारा, सोचने की चीज़ है, हमारे इमाम ये क्यों, वो क्यों नहीं, वो भी, चारों इमाम हमारे हैं। सवाल है क्या जमीयत से जुड़कर रहना ज़रूरी है, और सवाल है कि क्या मनहज में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है दावत में। देखिए पहले सवाल का जवाब यह है कि मुसलमानों को चाहिए कि अहले हक से जुड़कर रहें। अहले हक आपस में कैसे होते हैं, मुजतमा होते हैं, बिखरे हुए नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पसंद नहीं करते थे कि लोग सफ़र में अगर पड़ाव डालें तो बिखरे बिखरे रहें, ये भी आप पसंद नहीं करते थे। आपने बताया कि एक इलाके में अगर तीन लोग रहते हैं और जमात कायम नहीं करते हैं शैतान उन पर मुसल्लत हो जाता है। इस तरह की कई हदीसें हैं, सफ़र में तुम में से तीन आदमी जाएँ तो एक को अपने ऊपर अमीर मुकर्रर कर लें। ये कुछ अहादीस हैं जिनसे इस्तिंबात करके उलमा ने ये बात कही है कि ऐसे मुल्कों में जहाँ पर इस्लामी खिलाफत इस्लामी हुकूमत ना हो मुसलमानों को चाहिए कि मुतफरिक न रहे, खुसूसन दीन के मामलात में अहले हक से चिमटे रहें, अहले हक से जुड़े रहें, अहले हक उलमा से जुड़े रहें और उनसे रहबरी लेते रहें। तो ये करना चाहिए। हम सूरह फातिहा में भी जब हमने हिदायत की दुआ अल्लाह से मांगी, इनफरादी मांगी कि इज्तिमाई मांगी, इज्तिमाई एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। अल्लाह ने फरमाया कि वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकु, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ। अहले हक को चाहिए कि आपस में टोली टोली टुकड़े टुकड़े ऐसे अलग ग्रोह ग्रोह न बने, सब मिल के दीन पर चलें, सब मिल के दीन की गाड़ी को धक्का दें, सबको मिल के काम करना चाहिए। लिहाजा जमीयत से, ऐसी जमीयत जो कुरान और सुन्नत पर चलती है, ऐसी जमीयत से जुड़ के रहना चाहिए। वरना कोई भी कल को बोलेगा ये मेरी जमीयत है, कोई कहेगा मेरी जमीयत है, जो अहले हक हैं कुरान और सुन्नत, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह, किताब और सुन्नत और मनहज सलफ़ पर चलने वाले जो लोग हैं, अगर ये इज्तिमा कहीं पर जमा होते हैं उनके साथ जुड़ के रहना चाहिए, इसी में खैर आफियत है। क्या मनहज में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है दावत में हो या कि अदावत में हो, किसी भी चीज़ में मनहज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, यानी मनहज को छोड़ के कुछ भी फ़ायदा दिखाई दे रहा हम करने लगें, नहीं, मनहज छोड़ के हम नहीं कर सकते हैं, मनहज हमारी फुटपट्टी है, वो छोड़ देंगे हम लोग तो सारे मेजरमेंट गलत निकलने लगेंगे। एक टेलर भी बगैर फुटपट्टी के काम करता है, सब नाप कपड़े के ख़राब हो जाएंगे, सब परेशान हो जाएगा, वो ईद के दिन झगड़े हो जाएंगे, तो बगैर फुटपट्टी के काम नहीं चलता है। मनहज हमारी वो तराजू है जिससे हम सही और गलत को पहचानते हैं, चीज़ों को तोल के जाँचते हैं, उसके बगैर आप कैसे समझ सकते हो कि सही क्या गलत क्या है। फिर दावत जो कि हक़ को पहुंचाना बातिल को रोकना है, उसी में आप मनहज छोड़ देंगे, हक़ और बातिल की तमीज़ का ज़रिया,
तो ऐसे ही हुआ जैसे डॉक्टर जो है थर्मामीटर और जो उसका स्टेथोस्कोप होता है उसको छोड़ के लो पेशेंट को चेक करना शुरू कर दें, जिससे मालूम पड़ता है वही छोड़ के आप कैसा कर रहे हैं। तो इसके लिए मनहज को छोड़ के नहीं चला जा सकता है। शैतानी वसवसे क्या ईमान की तरफ बढ़ने की वजह से ज़्यादा होते हैं? अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम के अलावा और क्या है? शैतानी वसवसे क्या ईमान की तरफ बढ़ने की वजह से ज़्यादा होते हैं? देखिए हदीस में एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल बाज़ चीज़ें, इमाम मुस्लिम ने उसको रिवायत किया है कि बाज़ चीज़ें मेरे दिल में ऐसी आती हैं कि जल के कोयला होना मुझको पसंद है, लेकिन ज़बान से उनको बताना आपको वो मुझको बिल्कुल इतना भारी है मेरे ऊपर, उससे ज़्यादा मुझको पसंद ये है कि मैं जल के कोयला हो जाऊँ, ऐसी ऐसी बातें दिल में मेरे आती हैं। तो आपने फरमाया कि क्या यानी ऐसा होता है तुम्हारे साथ? तो कहा हाँ ऐसा होता है। तो कहा कि फदा का सरीहुल ईमान, यही तो ईमान है, यानी उन ख्यालात का दिल में आना और उन पर राज़ी नहीं होना, उनको बुरा समझना, इतना बुरा समझना कि उनको ज़बान से निकालने में भी बुरा बुरा महसूस करना, ये जो उन ख्यालात से नफ़रत तुम्हारी है ये क्या है? ये तुम्हारा ईमान है। कुफ्र होता तो बुरी बातों को पसंद करता, ईमान है इसीलिए तो बुरी बातें दिल में आ रही उसको नापसंद कर रहा है। तो उलमा ने बात कही है कि शैतान जिसको गुमराह नहीं कर पाता है उसके दिल में वसवसे डालकर उसको सताता है, डिस्टर्ब करता है, उसको परेशान करता है। तो वसवसे खुद ईमान की अलामत है। चोर उसी के पीछे लगता है जिसकी जेब में कुछ है उसको लगता है। जो आदमी बगैर जेब के चोर उसके पीछे जाएगा, इसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास ईमान है उसी के पीछे शैतान लगता है। इसीलिए इस हदीस से उलमा ने यह भी बात कही है कि वसवसों का आना ईमान की अलामत है। जिसके पास कुछ है नहीं है, खाली थैली में कोई हाथ क्यों डालेगा, उसको मालूम कुछ ही है नहीं इसके अंदर, हाथ डाल के इसमें मिलने वाला क्या है, झोली में कुछ भी नहीं है इसके। तो एक आदमी जितनी मजबूती वाला होता है उसके पीछे उतना पहलवान शैतान लगता है। तो इससे भी ये बात याद रखें कि जो आदमी जितना दीनदार है उसको उतना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना, कि शैतान उसको बहुत ऊपर से नीचे पटकता है, जितना ऊपर उतना ज़ोर से पटकेगा नीचे। अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम के अलावा और क्या है? आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, ये भी आदमी कहे, कुछ ऐसी बात आए जो दिल में शक पैदा करने वाली हो, कहे मैं अल्लाह पर रसूल पर ईमान लाया, समझे तो भी लाया नहीं समझे तो भी लाया, उनको समझता मेरे को नहीं समझता, सिंपल है। हम फरिश्तों ने क्या कहा? सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना, अल्लाह हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है, जो तू सिखाए उतना ही मालूम है हमको, तो पाक है इससे कि कोई ऐसी चीज़ करे जो ऐब वाली हो। तो अल्लाह को मालूम हमको नहीं मालूम, हमको अल्लाह उसके रसूल पे भरोसा है, हमको जहाँ भी ले जाएंगे सही ले जाएंगे। सवाल है हाउ मेनी टाइम्स अ वुमन कैन मैरी इन इस्लाम व्हेन शी टेक्स डिवोर्स, एक औरत तलाक लेने के बाद कितनी मर्तबा निकाह कर सकती है? इसका कोई अदद नहीं है। एक औरत का तलाक हो जाए उसके बाद वो दूसरा कोई निकाह अगर उसको सही रिश्ता आता है वो निकाह करे, उसका वो तलाक हो गया उसके बाद और कर सकती है, तो कोई हद उसके लिए नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम रीडिंग सला इन हिज ग्रेव, डज दिस मीन ही इज़ स्टिल रीडिंग? इफ़ यस व्हाई? मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे मेराज की रात में। मुस्लिम की रिवायत में आपने देखा कि मूसा क़ाइमुन युसल्ली, मूसा अलैहिस्सलाम को आपने देखा कि आप खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। तो क्या इसका यह मतलब है कि अब भी नमाज पढ़ रहे हैं, और अगर हैं तो क्यों? क्यों यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको इब्न साद ने तबक़ात में रिवायत, हिलियतुल औलिया में रिवायत किया है, और शेख अल अल्बानी ने उसको हसन कहा है कि अल अंबिया अहया उनफी कुबूरहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में हयात होते हैं वह नमाज पढ़ते हैं। ये अंबिया की खसूसियत है, ये दूसरों के लिए नहीं है। तो इस हदीस से भी जो मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस है इसकी तायीद होती है मज़ीद कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। ये अंबिया की खसूसियत आम लोगों के लिए नहीं है। हाउ डू वी कन्विंस आवर मुस्लिम ब्रदर्स दैट तकलीद ऑफ एनी इमाम इज़ नॉट फर्ज, हम अपने मुसलमान भाइयों को किस तरह से मुतमईन करें कि किसी एक इमाम की तकलीद फ़र्ज़ नहीं है? इसलिए कैसे मुतमईन करें? दो तरीक़े से, न तो क़ुरान और सुन्नत में इसकी फ़र्ज़ियत का कोई वजूद है, ना इमाम साहब ने इसको फ़र्ज़ कहा है, तो दलील के अतबार से भी नहीं और तकलीद के अतबार से भी नहीं। या तो आदमी दलील के अतबार से बात मानता है या तो तकलीद के अतबार से। तो दलील के अतबार से क़ुरान और सुन्नत में किसी एक आदमी की सारी बातें मानने का हुक्म है
नहीं, अल्लाह उसके रसूल की मानने का हुक्म है। और इमामों की तकलीद करते हैं, ठीक है, वहाँ से दलील लीजिए। किसी इमाम ने भी नहीं कहा कि मेरी सारी बातें तुम मानो, तो ना तहकीक से है न तकलीद से है, न तहकीक से इसकी दलील है न तकलीद से इसकी दलील है। तो भी जिसकी दलील नहीं है, जिसको करने का ना अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया ना इमाम ने, तो फिर कर रहा क्यों? तो उसके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि इतने सब लोग पागल हैं क्या, फिर बाप दादा का तरीका गलत है क्या, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें फिर सभी लोग कहते हैं। कल कोई कादियानी भी कहने लगेगा तो क्या आप उसकी दलील मानेंगे? तो इस एतबार से उसको समझाया जा सकता है कि कुरान सुन्नत में इसके बारे में कुछ नहीं है। तरावी की 8 रकात और 20 रकात की तफसील बताएं, मस्जिद नबवी में कितनी रकात पढ़ाई जाती हैं? तरावी की 8 रकात और 20 रकात की तफसील तो मुश्किल है, इख्तिसार मुमकिन है। तरावी की 8 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं बुखारी मुस्लिम की हदीस में और आम कुतुब अहदीस में, यहाँ तक कि इमाम मोहम्मद की मुअत्ता में भी यह हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 11 रकात से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे रमज़ान व गैर रमज़ान में। इसी तरह से मुअत्ता इमाम मालिक की है, उसमें उमर रदी अल्लाह तआला के बारे में रिवायत है कि उन्होंने हुक्म दिया तमीम अद्दारी और उबै इब्ने काब को कि वो लोगों को 11 रकात पढ़ाएँ। इसके अलावा भी रिवायतें मौजूद हैं इब्ने हिब्बान की और इसी तरह से इब्ने खुज़ैमा की रिवायत में, हज़रत जाबिर की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 रातों में 11 रकतें पढ़ाई थीं। और भी इसके अलावा दलाल दिए जा सकते हैं। तो इससे ये 8 रकत यानी 11 रकत की दलील मिलती है। 20 रकत की दलील एक तो इब्न अबी शैबा की रिवायत है जिसमें 20 रकत पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित होता है, लेकिन रिवायत के वजूद के एतबार से, सबूत के एतबार से नहीं, उसकी वो रिवायत मोतबर नहीं है। तकरीबन सारे उलमा ने उस रिवायत को ज़ईफ़ बल्कि बाज़ ने मौजूस को कहा है। तो ये साबित रिवायतें नहीं हैं। इसी तरह से सहाबा से भी जो रिवायतें साबित है वो यानी आई हैं वो भी साबित नहीं हैं। ताबईन का अमल इसमें मिलता है कि उन्होंने 20 पढ़ी, तो ताबईन का अमल सिर्फ 20 का नहीं मिलता है। इमाम आईनी कहते हैं, अल्लामा आईनी जो हनफी माने जाते हैं, वो कहते हैं अपनी किताब उम्दतुल क़ारी में, इसमें काफ़ी इख्तलाफ़ है और उम्मत में 10 कौल इसके हैं, 11 भी है, 16 भी है, 20 भी है, 24 भी है, 28 भी है, 36 भी है, 39 भी है, 41 भी है, 47 भी है। तो अब एक अदद इसका कोई है नहीं, तो उम्मत में सारे अमल इसके मिलते हैं। तो ताबईन से 47 रकत भी मिलती है। तो कोई आदमी ये अगर कहता है कि भाई आपको 20 भारी इसलिए आप 11 पढ़ते हो, हम ये कह सकते हैं सही, आपको 47 भारी इसलिए आप 20 पढ़ते हो, तो ये कम ज़्यादा का मसला नहीं है। और फिर कोई आदमी कहे जब इतना इख्तलाफ है तो करे क्या, तो हम कहते हैं कि वही करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो ये उसकी तफसील है इख्तसारन। मस्जिद नबवी में कितनी रकत पढ़ी जाती हैं? मस्जिद नबवी में 20 रकत पढ़ी जाती है। अगर कोई आदमी कहता है कि फिर जब 20 रकत पढ़ी जाती है तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ते, हम कहें कि हमारे नबी ने मदीना में कितनी पढ़े, तो मस्जिद नबवी में आज या मस्जिद नबवी में हज़रत उमर के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में मस्जिद नबवी में कितनी पढ़ी जाती थी, 11, और आज कितनी पढ़ी जाती है, 20। क्यों? उनको जाके पूछो, उनका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? उलमा ने उस बारे में आज के दौर में बहुत सारी बातें कही हैं कि दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर चूँकि आम तौर से उम्मत में 20 रकत पढ़ी जाती हैं, लिहाजा अगर 11 पे ख़त्म कर देंगे तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए 2 इमाम उन्होंने रखे हैं, 10 पे 10 पे वो बदल जाते हैं। तो जितने लोगों को 11 पढ़ना है वो एक के साथ पढ़ के 10 पढ़ने के बाद फिर 3 वितर पढ़ लेता है। तो इस तरह से जो भी चाहे वो 11 इस तरह से 3 वितर या 13 या 11 पढ़ सकता है, तो उसमें कोई हरज नहीं। 13 की रकत भी, 13 रकत की रिवायत भी एक रिवायत में मिलती है हमको, आयशा की रिवायत में से। इसकी तफसील मैं अपने दुरूस में भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन ये बात उलमा ने ज़िक्र की है। अगर कोई आदमी कहता नहीं जब मदीना में वो है तो वो हक़ है, तो फिर मदीना में ईद की नमाज में कुल मिला के 12 तकबीरात होती हैं, तो जो आदमी 20 मान रहा है वो 12 भी मानना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता है। मदीना में रफुल एदैन भी होता है, नहीं मानता है। आमिन बिलजहर होता है, नहीं मानता है। मदीना में नमाज के फ़र्ज नमाज़ों के बाद इज्तमाई दुआ नहीं होती है, नहीं मानता है। फिर जो आदमी मदीना को दलील बनाए वो अपने दिल के हिसाब से ना बनाए, फिर सारी चीज़ों को बनाए, तब बात समझ में आएगी। अपनी मर्ज़ी की बातों को दलील बनाना अहले हवा का तरीक़ा है, ख्वाहिश वालों का तरीक़ा है, इल्म वालों का नहीं। और मदीना को दलील बनाने की बजाय मदीने वाले को दलील बनाए तो कितना अच्छा।
ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे और उनकी मौत के बाद उन्हें किस जगह दफनाया जाएगा मेरे इल्म में नहीं है। हाउ डू वी डू दावा विद पीपल हु डोंट नो द अकीदा ऑफ देयर ओन स्कॉलर्स एंड व्हेन टोल्ड टू फॉलो कुरान एंड सुन्ना दे से वी फॉलो द सेम। हम लोगों को कैसे दावत दें जो अपने उलमा ही की बातें नहीं जानते हैं और जब उनसे हम कहते हैं कि कुरान सुन्नत की इत्तबा करो तो कहते हैं कि हम वही करते हैं, वी फॉलो द सेम, यानी हम कुरान सुन्नत की इत्तबा करते हैं। जो लोग या इल्म नहीं रखते हैं उनके सामने किताब सुन्नत की बात और सलफ़ की तशरीहात पेश की जाएँ, अगर वो मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं उनके लिए दुआ करें। मर्द और औरतों पर जिन्नात को का असर होता है क्या? अगर होता है तो उसका इलाज क्या है? मर्द हों या औरतें हों उन पर जिन्नात का असर होता है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुलखला में जाते वक्त में हमको दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल खुबुथी वल खबाइथ। तो खबीज जिन्नों से, खबीज जिन्नियों से, यानी मर्द और औरत इंसान पे, मर्द और औरत जिन्नात का असर होता है, सिर्फ जिन्नात का नहीं, उसमें भी मेल फीमेल दोनों होते हैं तो उनका असर होता है। और कुरान में भी सूद के ज़मन में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तखब्बत हो शैतान मिनल मस, तो शैतान का असर खबती बना देता है एक आदमी को मस की वजह से, तो ऐसा असर होता है। उसका इलाज क्या है? आप कोई अच्छा कुरान पढ़ने वाला हो उसको बिठाएं जो डरता ना हो, तो उसको पढ़ने लगाएं और उसके पढ़ने से उसको तकलीफ़ होती है और उसको जा कहें तो वो जाता है, कभी जल्दी जाता कभी देर से जाता, कभी जल्दी आता कभी देर से आता। क्या हर किसी मुल्क के इमाम की इख्तिदा में सलात अदा की जा सक, मसलक के इमाम की इख्तिदा में सलात अदा की जा सकती है और हर अकीदे के इमाम की इख्तिदा में भी? देखिए, इमाम या कोई भी मुसलमान की दो किस्में हैं, एक वो जो शिर्क में मुब्तला है, दूसरा वो जो शिर्क में मुब्तला नहीं है। शिर्क में मुब्तला किस्म के दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो सब कुछ जानते बूझते हक़ वाज़ेह होने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की बात के मुकाबले में शिर्क करें या उसका इनकार करें, ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जो सब वाज़े हो जाने के बाद भी शिर्क और कुफ्र या कुरान और सुन्नत की मुखालफत पर जमा हुआ हो। ऐसा आदमी हक का इनकार करने की वजह से इस्लाम से निकल जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको वो मदरसों में गए लेकिन पीछे के बेंच पर बैठते थे, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या तैरने के लिए जाते थे, या बहुत कुछ है, या उनकी समझ में नहीं आया जैसा पढ़ा है वैसा उन्होंने पढ़ा, तो उनको समझ में नहीं आता है कि वाकई ये बात क्या है। उन्होंने जो कुछ पढ़ा, उनको जो पढ़ाया गया, उनको लगता है कि ये सही है, उनका जज्बा सही होता है, वो समझ रहे होते हैं कि हम दीन ही पर अमल कर रहे हैं और अहले हदीस जो बता रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं हमको। तो बहुत गहरी तहकीक उनकी नहीं होती है, अपने मसलक के अकाबरीन पर उनका एतमाद होता है, अक्सरियत ऐसी होती है। ऐसा आदमी इसको काफ़िर नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि वो भी दीन पर जज्बे के साथ अमल कर रहा है लेकिन अभी तक हक उस पर वाज़े नहीं हुआ। जैसे मैंने इब्तिदा में पहले सवाल के जवाब में कहा, हक का वाज़े होना ज़रूरी है आदमी पर। ऐसा आदमी जिस पर हक अभी तक के वाज़े नहीं हुआ है, उसके पीछे नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, चाहे वो किसी भी मसलक का हो। लेकिन अगर उस पर हक वाज़े हो चुका है, किसी काबिल क़द्र आदमी ने दलाइल की रोशनी में अच्छी तरह से हक वाज़े किया, कोई उज़्र बाकी नहीं था, फिर भी उसने रद्द कर दिया, तो ऐसे आदमी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इस कैद को आप याद रखें। सवाल है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 times प्रेयर्स रकात, प्लीज़ एक्सप्लेन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की नमाज़ें प्लीज़ समझाइए। मतलब क्या समझाएं, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? देखिए, हाँ अच्छा, हाँ हाँ, देखिए फजर में 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज है, ये साबित है हदीस की किताबों में। यानी ग़ालिबन हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत में सुन्नतों की गिनती आई है, फजर की 2 और जहर की पहले 4 बाद में 2 और असर की वहाँ पर मज़कूर नहीं है, किसी और हदीस में है, और मगरिब के बाद 2 और ईशा के बाद 2, कुल मिला के 12 रकात हैं सुन्नतों की। तो इसके बारे में फजीलत ये कि ये जो 12 रकत पढ़ता है उसको अल्लाह ताला जन्नत में घर अता फरमाएगा, ये सुन्नतें हैं।
फिर फजर फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी उम्मत का इजमा है, और हदीसों में भी ये अदद आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में दो पढ़ते थे, इसीलिए आपने फरमाया आज सुबह सुबह की नमाज़ तो दो ही रकत है, तो मालूम हुआ कि उससे दो रकतें हैं। जोहर में चार रकतें आप पढ़ते थे, असर में चार, मगरिब में तीन, और इसी तरह से यानी ईशा में आप चार पढ़ते थे। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि हम जोहर असर में पहली दो रकतों में सूरह फातिहा और सूरह पढ़ते थे, इमाम के पीछे बाद की दो रकतों में सिर्फ सूरह फातिहा। मालूम जोहर असर कितनी है? चार रकत है। तो इसी तरह से बाकी नमाज़ों के बारे में भी दलाइल आए हैं। तो ये उम्मत में मतलब मारूफ है और मालूम है। रहा सुन्नतों का मसला, उसके अलावा भी हैं। मसलन असर की चार सुन्नतें भी हैं, आपने फरमाया कि अल्लाह उस पर रहम करे जो असर की चार सुन्नतें पढ़े, तो ये उन बारह के अलावा हैं। इसी तरह से मगरिब से पहले भी सहाबा दो रकत पढ़ा करते थे, ये मुस्तहब है, फौरन अजान के बाद फौरन पढ़ते थे, ये लाजिम नहीं है और उतनी मुअक्कत भी नहीं है, लेकिन कोई पढ़ ले तो कोई मना भी नहीं है। इसी तरह से ये मुस्तहब है यानी पसंदीदा है। इसी तरह से जोहर के बाद में आपने फरमाया कि जोहर के पहले चार और जोहर के बाद चार, ये भी तस्करा हदीस में आया है। तो दो सुन्नत है और दो उसके अलावा है जिसको मुस्तहब कहा जा सकता है, हदीस में इसका तस्करा आया है, जोहर के बाद चार। इसी तरह से ईशा के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सुन्नतें तो हैं, लेकिन वितर के बाद हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप दो रकत बैठकर पढ़ा करते थे, तो वितर के बाद दो का भी हमको मुस्तहब है, इसका जिक्र हमको मिलता है। तो इस तरह से कुल मिला के नमाज़ें हैं, ये मेरे इल्म में हैं। इसके अलावा अगर किसी के इल्म में है तो और तहकीक कर सकता है। सबसे अच्छी तफसीर का नाम बताइए, क्या ईसा अलैहि सवाब का खाना शिर्क में से है? सबसे अच्छी तफसीर, सबसे अच्छा, हम अपने तौर पर हर आदमी का अपना एक यानी पैमाना होगा, उस एतबार से वो कहेगा। फिर अच्छा आसान के एतबार से और मोटी बड़ी के एतबार से, कोई आदमी उसको बड़ी तफसीर अच्छी लगती है तो सबसे बड़ी बड़ी तफसीर बताएगा, कोई आदमी उसको शॉर्ट में पढ़ना है तो वो छोटी अच्छी अलग बताएगा, तो फ़र्क हो सकता है। लेकिन आम लोगों के एतबार से इस दौर में पढ़ने के लिए अहसनुल बयान बहुत उम्दा है, क्योंकि वो छोटी भी है, लोगों के पास वक्त भी कम है, उसमें हवाले भी हैं और आसानी से समझ में आता है, और उलमा की टीम बैठकर उसको फाइनलाइज उसने की, उलमा की टीम ने किया है जो हाजियों को अभी दिया जाता है। तो आम आदमी के एतबार से वो है। थोड़ा आदमी का इल्म बढ़ जाए तो उसके लिए तफसीर इब्न कसीर, तफसीर बिल मासूर जिसको आप कहते हैं, वो तफसीर बिल राय नहीं है, अपनी अकल से कुछ भी राय से निकाल रहे हैं, तफसीर बिल मासूर यानी आयतों की तफसीर में आयात अहादीस और सलफ़ के अकवाल व ज़िक्र करते हैं। तो ये यही तफसीर का सही तरीक़ा है कि किताब और सुन्नत, उसके बाद यानी सलफ़ के अकवाल, इससे तफसीर की जाए, उसूल ज़वाबित से तफसीर की जाए। तो ये तफसीर इब्न कसीर बहुत उम्दा है, लेकिन उसमें भी चूँकि ज़ईफ़ रिवायतें हैं, लिहाजा ऐसा आदमी उसको पढ़े जो तहक़ीक़ी एतबार से क़ुव्वत रखता हो, कुदरत रखता हो, या कम अज़ कम उसको ऐसा आलिम मिल जाए या ऐसी तफसीर मिल जाए जिसमें तहक़ीक़ की हुई हो। तो बहुत सारे लोग नाम सुन लेते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, फिर समझ में नहीं आती तो फिर बदज़न हो जाते हैं। तो पहले आसान से शुरू करें, शौक़ बड़ा हो लेकिन शुरुआत छोटी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है तालिबे इल्म के लिए। क्या ईसा अलैहि सवाब का खाना शिर्क में से है? ईसा अलैहि सवाब का खाना शिर्क में से नहीं है। ईसा अलैहि सवाब ऐसे खा भी नहीं सकते हैं, ईसा अलैहि सवाब के लिए जो चीज़ है वो खा सकते हैं। ईसा अलैहि सवाब क्या है? ईसा अलैहि सवाब ये है कि कोई आदमी नेकी करे, सदका, और उसको उसका सवाब किसी और को पहुँचाए, जैसे मसलन खाना बनाए और उसमें नियत करे कि ये खाना हमारे दादा को इसका सवाब मिले और फ़ुकरा को, गरीबों को खिलाए, ये शिर्क नहीं है, ये जायज़ है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तीसरे को, दसवें को, चालीसवें को, सालवें को, ये साबित नहीं है, ये बिदात है। इसका खाना शिर्क नहीं है, लेकिन इसका खाना इसको ताकत देना है, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए ताकि इसको ताकत ना मिले। क्या यह हदीस सही है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। यह हदीस सही है कि मैं नबी था जब के आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। तो इसको शेख अल-अल्बानी ने भी सही हसन कहा है, और आम तौर से इसको मुहद्दिसीन ने ज़िक्र किया है, इब्न तैमिया वगैरह ने भी ज़िक्र किया है। वो हदीस सही नहीं है जिसमें है कि मैं नबी बना दिया जा चुका था जबकि आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे, वो ज़ईफ़ है, लेकिन ये सही है। कोई आदमी कहे कि किस एतबार से फिर नबी, तो आप 40 साल की उम्र में हुए, 40 साल की उम्र में आपको बताया गया कि आप नबी हैं, अल्लाह के इल्म में आप पहले से नबी थे, इसीलिए तो अल्लाह ने पिछली किताबों में आपका तज़किरा किया था, तो अल्लाह को पहले से मालूम था ये नबी, हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम ने खबर दी,
और इसी तरह से और भी किताबों में तौरात में आया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीन माहु, अल्लाह ने इसकी बात कहा कि ذلك مثلهم في التوراة। तो ये हदीस सही है, यानी काबिल एतबार है। और आप यानी नबी बनाए जा चुके थे इस एतबार से नहीं कि आपको ख़बर दी जा चुकी थी और आप पर शरीयत नाजिल हो चुकी थी, इस एतबार से नहीं, बल्कि अल्लाह के इल्म में था कि आप नबी हैं। वैसे हर आदमी अल्लाह के इल्म में होता है कि वो जन्नती है या जहन्नमी। तो वो अभी बन गया क्या? नहीं। फिर सारे अमल क्यों कर रहा हो जन्नती बनने के लिए? अभी बना नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के इल्म में है, तय अल्लाह को मालूम है कि ये क्या करेगा। तो अल्लाह के यहाँ आपको नबुवत का मामला मुकर्रर था। नबुवत अल्लाह की तरफ से अताई होती है, कस्बी नहीं होती है। पीस कंप्लीट और स्टॉप लेक्चर। अरे ये पुराना ही है। क्या हम हक पर हैं? कौन हमसे बात कौन है इसमें? पूछने वाले को पहले पूछना पड़ेगा आप किस पर हैं, क्या हम हक पर हैं। अगर कोई अहले हदीस भी पूछ रहा है तो मेरा जवाब है कि हाँ, मनहज अहले हदीस हक है। इसलिए कि इमाम तिर्मिदी ने हदीस नकल की है और ये दूसरी किताबों में बुखारी वगैरह में भी है कि ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अला अल-हक़, मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा हक़ पर रहेगी, गालिब रहेगी। तो इस हदीस के ज़िमन में इमाम तिर्मिदी ने भी इसको रिवायत किया है। और इमाम तिर्मिदी कहते हैं कि मैंने इमाम अल-बुखारी से सुना और उन्होंने अली इब्ने मदीनी का कौल नकल किया कि इससे मुराद अहलुल हदीस हैं। तो ये ख़ुद इमाम तिर्मिदी सुनन तिर्मिदी में मौजूद है, अहलुल हदीस है, असहाबुल हदीस भी ने अहलुल हदीस लिखा हुआ है उसमें। तो बहुत सारे लोग इसमें भी झगड़ा करते हैं कि आप असहाबुल हदीस हो या अहले हदीस हो, ये अरबी नहीं जानने की वजह से है। इमाम तिर्मिदी ने कहा है कि मैंने इमाम अल-बुखारी से सुना, वो कहते थे कि मैंने अली इब्ने मदीनी से सुना, ये कि मुहदिस हैं इमाम बुखारी के ऊपर के, तो उन्होंने कहा कि इससे मुराद कौन है? अहलुल हदीस। कोई आदमी कहे कि अहलुल हदीस से मुराद यहाँ पर मुहदिसीन हैं, जाहिर बात है कि अली इब्ने मदीनी मुहदिसीन नहीं कह रहे यहाँ पर। क्यों? इसलिए कि एक जमात हक पर रहेगी, तो हक पर सिर्फ मुहदिसीन रहेंगे, मुफस्सिरीन नहीं, फुकहा नहीं। तो वो लोग जो अहलुल हदीस मनहजी एतबार से हैं, यहाँ वो मुराद है, अहले हक होंगे ये लोग। तो अहले हक को अहले हदीस कहा है इमाम अली इब्ने मदीनी ने, और इसको इकरार के साथ नकल किया इमाम अल-बुखारी ने, इसको इकरार के साथ नकल किया इमाम तिर्मिदी ने, और उम्मत पढ़ते आई किसी ने भी उसका रद्द आज तक किया नहीं। ऐसा दावा करना सही है या नहीं कि हम हक पर हैं? बिला शुबा हम ये दावा कर सकते हैं कि मनहज अहले हदीस हक है, लेकिन मैं पर्सनली हक पर हूँ या नहीं तो मुझको अपने आप को चेक करना पड़ेगा। कोई आदमी ये दावा ना करे कि मैं हक पर हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ वो सही है, ऐसा दावा किसी आदमी ने करना नहीं चाहिए। उसने ही कहना चाहिए कि ये हक है और मैं इस पर चल रहा हूँ, इस पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पहले वाली कौम दावा करने की वजह से हलाक हुई। कोई आदमी अपने पर्सनल लेवल पे दावा कर रहा है तो ऐसा आदमी हलाक हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, कि तुम अपना तज़किया, अपनी सफाई, अपनी पाकी खुद बयान मत करो, मैं बहुत मुत्तकी हूँ, मैं परहेजगार हूँ, मैं ऐसा हूँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, मैं हक पर हूँ, मैं अहले हक में से हूँ, नहीं बोलना चाहिए। ये बोलना चाहिए देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अल्लाह और उसके रसूल की बात है, ये सलफ़ की बात है, ये हक़ है, और मैं अपनी ताकत के बगैर इस पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरे अमल को कबूल फरमाए। ऐसा आदमी को कहना चाहिए, अपने सिलसिले में तवाज़ो के कलिमात हों लेकिन मनहज के सिलसिले में पुख्तगी हो, इन दो को जमा करना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि हनफी इमाम के पीछे नमाज होती ही नहीं, पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, क्या ये सही है? देखिए मेरे इल्म में कोई भी इसका कायल नहीं उम्मत में उलमा में से। हाँ, बाकी जो लोग मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वो फौरन इन्हें ये बातें कहना शुरू करते हैं, लेकिन हमने बड़े बड़े उलमा से सुना, उन्होंने इस तरह की बात नहीं की, चाहे वो इब्न तैमिया हो, चाहे शेख अल-अल्बानी हो, बिन बाज़ हो, या इस दौर के उलमा जो भी हमारे हैं, जो भी किबार उलमा हैं, उन्होंने हनफियत, शाफियत और इस तरह के इमाम की वजह से नमाज नहीं होती ऐसा नहीं कहा है।
हाँ, एक आदमी शिर्क में मुब्तला है, कुफ्र में मुब्तला है, कुरान और सुन्नत का इनकार करता है, जबकि उसको वाजी कर दिया जा चुका है, तब जाकर उसके पीछे नमाज नहीं होती। ये बात याद रखना चाहिए। वक्त हो गया है या अभी है? रोक दें जब हो जाए उसको, रोकना है। ये अजान कहाँ की है? यहीं की है, इस मस्जिद के लिए। क्या टाई पहनना ईसाइयों की निशानी है? अगर है तो कॉलेजेस में यूनिफॉर्म में टाई होती है, ऐसे सूरत में क्या करें? मेरे इल्म में तो नहीं है ऐसी कोई दलील कि ये ईसाइयों की अलामत है। अलबत्ता अंग्रेज़ जो यहाँ पर हिंदुस्तान में आए तो वो टाई पहना करते थे। इसकी हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है, टर्की में निकला वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, फ़ायदा उससे कुछ नहीं है। हमको टाई पहनने की ज़रूरत क्यों है? टाई नहीं पहनना चाहिए। इस बाल की सूरत है, वो आदमी नमाज पढ़ रहा है, टाई लटक रही है उसकी सूंड की तरह से, तो उसकी उसको ज़रूरत नहीं है टाई की। वो यानी इसराफ है, फजूल है, वो उसको नहीं करना चाहिए। बहुत मजबूरी है अगर कि स्कूल से निकाल देंगे, फलां चीज़ होगी, ऐसा होगा, तब एक बात समझ में आती है, वरना उसको नहीं पहनना चाहिए। सवाल है कि व्हाट इज़ इस्लामिक रूलिंग ऑन ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, इज़ इट हराम और हलाल? स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के बारे में क्या रूलिंग है, ये हलाल है या हराम? इसकी तफसीलात हैं। इख्तिसारन ये कि अगर जिस चीज़ का मालिक आदमी नहीं है उसको बेचता है तो जायज़ नहीं, जिस चीज़ में सूद की आमेजिश है अगर उसमें मुब्तला होता है तो ये जायज़ नहीं है। धोखे का माल ख़रीदना बेचना जायज़ नहीं है। जिस चीज़ को जानता भी नहीं है कि वो क्या है वाकई, वो उसको बेच रहा है तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरह से ऐसी चीज़ जिसका पोजेशन उसको नहीं हुआ है, उसको मुंतकिल नहीं किया है, फिज़िकल उसका ओनर नहीं बनाया, उसको बेचता है तो ये जायज़ नहीं है। तो ये तफसीलात आप उलमा से पूछें, ये मुख्तसर इसमें समझाने की चीज़ नहीं है। मुख्तसर हज का तरीक़ा सही कुरान सुन्नत की रोशनी में बतलाएँ। इसके लिए हज का ऐसा मसला है, उलमा ने कहा कि हज और कसर ऐसे मसले हैं कि बड़े बड़े उलमा इसमें परेशान होते हैं, तो आप हज के बारे में उलमा से तफसील के साथ पूछें, ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे आदमी से पूछें जिसने हज किया है, जिसने नहीं किया है उससे पूछेंगे वो ख़ुद भी परेशान होगा, आपको भी परेशान करेगा, इसलिए मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। तकलीद करने या ना करने पर अल्लाह जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला करेगा या नहीं? क्या आपकी नज़र में तकलीद करने वाला जहन्नमी है? अगर है तो मुकल्लिद क्या मुकल्लिद औलिया कराम नऊज़ुबिल्लाह जहन्नमी है, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत जुनेद वगैरह वगैरह? देखिए, जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला तकलीद करने और न करने की बुनियाद पर नहीं है, क्योंकि क़ुरान में तकलीद का लफ्ज़ ही नहीं है और अल्लाह ने जन्नत जहन्नम का बारहा तस्किरा किया है, लेकिन अल्लाह ने कहीं भी नहीं बताया कि तकलीद करने वाला जन्नत में जाएगा या तकलीद नहीं करने वाला जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ने बताया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मानेगा वो आदमी जन्नत में जाएगा, जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की मानेगा वो जन्नत में जाएगा। बराए रास्त कोई आलिम है कुरान और सुन्नत पढ़ के, वो उस पर अमल करके जन्नत में जाएगा। अगर आलिम नहीं है तो उलमा से मदद लेगा कुरान और सुन्नत के समझने में, उसके सीखने में, उस पर अमल करने में, तो ऐसा आदमी कुरान और सुन्नत पर अमल करके जन्नत में जाएगा। उलमा हमारे लिए कुरान और सुन्नत का बदल नहीं है, उलमा कुरान और सुन्नत के समझने में, उस पर अमल करने में हमारे टीचर और उस्ताद की तरह है। उस्ताद से कभी गलती होती है तो उसकी गलत बात को कानून नहीं बनाना चाहिए और उस्ताद का इकराम भी करना चाहिए और उसकी हर बात को रद्द नहीं करना चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भी अइम्मा गुजरे हैं, जो भी उलमा आज हैं, हमको उनसे इस्तेफादा करना चाहिए, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे उलमा जो कुरान और सुन्नत के माहिर हैं,
जो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर दावत देते हैं उस पर ख़ुद भी अमल करते हैं, ऐसे उलमा की बात सीखना चाहिए, उसको समझना चाहिए और कुरान और सुन्नत का इल्म जमा करना चाहिए। तो यानी तकलीद की बुनियाद पर ये मामला नहीं है, ये तकलीद नहीं है, ये तकलीद नहीं है, ये क्या है, ये दीन के सीखने के लिए उलमा से मदद लेना है। इसको उलमा ने इत्तिबा कहा है, क्योंकि असलन आदमी क्या कर रहा है, कुरान और सुन्नत पर चल रहा है लेकिन उस्ताद से सीख रहा है। जैसे सहाबा सीखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इत्तिबा है, और सहाबा से सीखते थे ताबईन, तो वो भी इत्तिबा है, क्योंकि मकसूद इसमें किताब और सुन्नत का सीखना हुआ करता था। वरना क़यामत तक अल्लाह ने क्या फ़रमाया, फ़त्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरी इत्तिबा करो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मालूम है कि किसी और की इत्तिबा करने पर मोहब्बत नहीं है अल्लाह की, बल्कि रसूल की इत्तिबा पर है। तो ये देखना पड़ेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ये नहीं कि इमाम ने फलां ने इमाम ने उसने क्या किया। तो रसूल की इत्तिबा करने पर अल्लाह की मोहब्बत मिलने वाली, इसलिए आदमी को मालूम करना चाहिए इमाम से भी, आलिम से भी, कि हमारे रसूल का अमल क्या है। और हम ये नहीं कहते हैं नऊज़ बिल्लाह कि जो भी अइमा किराम गुजरे हैं, जो भी उलमा गुजरे हैं, जो भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं, इनको जहन्नमी कहना हम जैसे कम कीमत लोगों की बात नहीं है। ऐसी बात कह के हम अपनी आखिरत ख़राब नहीं कर सकते हैं। हमारे नज़दीक जितने भी अल्लाह के वली थे उन सब के लिए इल्म के मरतबों में कमी ज़्यादती उनमें है, तकवा के अतबार से भी उनमें तफावत है, लेकिन हमारे नज़दीक ये है कि जितने भी ईमान वाले हैं वो सब जन्नती हैं। तो हम औलिया के बारे में कैसा कहेंगे कि वो जहन्नमी है। ये भी हज का तरीक़ा है। जो शख्स सुन्नत की बातें करे और ख़ुद अमल नहीं करे और मानता है कि मैं शिर्क नहीं करता जन्नत में जाऊंगा, वो ज़ात कीजिए। यानी एक आदमी सुन्नत की बातें करे और अमल ना करे और सिर्फ इतना कहे कि मैं शिर्क नहीं करता इसलिए मैं जन्नत में जाऊंगा, ये आदमी जाहिल भी है और फासिक भी है। एक आदमी अगर अमल नहीं करता है तो इसीलिए यानी अल्लाह ने फरमाया इबलीस के बारे में, फ़फ़सक़ अन अम्र रब्बिही, वो अपने रब के हुक्म से निकल भागा। तो अगर एक आदमी इनकार करके निकल भागता है तो काफिर है, लेकिन आदमी अगर तामील में उससे निकल भागता है तो ये ऐसा आदमी ख्वाहिश परस्त है, फासिक है। तो अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे हर आदमी को जो कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करता, अल्लाह उसको तौफीक दे अमल करने की। पुलिस या आर्मी में बड़ी पोस्ट पे जॉब करना कैसा है, अगर दाढ़ी हो तो क्या, तो क्या ट्रिम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या ट्रिम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए पुलिस में या आर्मी में या सिक्योरिटी में जहाँ भी हो, अगर करप्शन से बच के वो करता है तो बहुत अच्छी बात है, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रख रहा है वो, समाज के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन करप्शन में अगर मुब्तला होता है और उसमें यानी कम्युनलिज्म उसके अंदर है तो ये सही बात नहीं है। अगर इंसानियत की हिफाजत के लिए चाहे वो डॉक्टर बने, ट्रैफिक पुलिस बने या फिर पुलिस बने, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर वो ये करता है कि लोगों को मतलब उनके ऊपर जुल्म करता है, लूटता है, झूठ बोलता है, शराब पीता है, सांप की मानता है, ऐसे में भी जो शरीयत में हराम है तो जायज़ नहीं है। फिर कोई भी जॉब हो इसके बारे में एक ही हुक्म होगा, और उसके लिए दाढ़ी ट्रिम करना अगर पड़ती है तो फिर ऐसा जॉब नहीं करना चाहिए जिसमें दाढ़ी ट्रिम करनी पड़ती हो। इज़ इट ओके टू परफॉर्म नमाज विदाउट वेयरिंग कैप और विथ बेयर हेड, क्या खुले सर बग़ैर टोपी के नमाज पढ़ना जायज़ है? खुले सर टोपी के बग़ैर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाती है, लेकिन बेहतर यह है कि आदमी का सर यानी कपड़ा या टोपी या इमामा वगैरह से ढाँक दिया जाए, ये बेहतर है, लेकिन लाजिम नहीं है, लेकिन हराम भी नहीं है। बाद लोग उसको इतना छोड़ देते हैं कि गोया कि एक गुनाह ही है। आप देखें कि सलफ़ का तरीक़ा हमेशा से ये रहा है कि खुले सर नमाज नहीं पढ़ते थे, चाहे आप जितने भी बड़े बड़े उलमा देखें आपको खुले सर नहीं मिलेंगे। लिहाजा एक आदमी को चाहिए कि वो खुले सर नमाज ना पढ़े, लेकिन बाज़ लोग इसमें इतने ज़िद करते हैं कि उसके बग़ैर ऐसा समझते हैं कि नमाज नहीं होती। तो आप बताइए कि टोपी के बग़ैर अगर नमाज नहीं होती या इतना ज़रूरी है तो फिर दाढ़ी के बग़ैर कैसा होती? अगर टोपी आप ज़बरदस्ती पहना रहे तो फिर दाढ़ी भी पहनाओ लोगों को, लेकिन कोई नहीं करता है। हालांकि दाढ़ी का हुक्म है, टोपी का कोई हुक्म, टोपी की फजीलत की कोई हदीस नहीं है कि टोपी पहन के नमाज़ पढ़ने में 10 नेकी ज़्यादा आए या 70 नेकी है, कुछ भी नहीं है। टोपी का हुक्म नहीं है, टोपी का हुक्म भी नहीं है, टोपी नहीं पहन के पढ़े तो नमाज होती नहीं होती की कोई हदीस नहीं है, उस पर गुनाह भी नहीं है। तो फिर उसके बारे में इतनी ज़िद करना, उससे ज़्यादा अहम तो मिसवाक है। आपने ख़ुद कहा कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सवाक इंदा कुल्ली सलाह, अगर मुझे उम्मत
की मशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। फिर अगर कोई अगर मिसवाक नहीं करता तो क्या उसकी नमाज नहीं होती? होती है। तो फिर टोपी के बगैर क्यों नहीं होती है? तो कोई आदमी इसमें ज़िद करे मुनासिब नहीं है, और कोई आदमी टोपी नहीं पहनने की भी ज़िद करे ये भी गलत है। किसी की ज़िद में टोपी जेब में रख के आदमी, अब तो मैं बताऊँगा तुमको, तो बगैर कमीज़ के भी हो जाती है अगर सिर्फ इतना ढका हो तो, क्या आप वैसा भी करेंगे? तो नहीं करना चाहिए। सर आदमी सर ढाँप के नमाज़ पढ़े बेहतर है। हज के आमाल में से कि आदमी सर खुला रखे, उसको आम करना मुनासिब नहीं है। इस बारे में उलमा ने किताबें भी लिखी हैं, और आम तौर से शेख अल-अल्बानी, शेख इब्न जबरीन और दूसरे भी उलमा ने बात कही कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों भी जो है इफ़रात और तफरीत हैं, दोनों के दरमियान में आदमी को रहना चाहिए। अगर एक शख्स को पढ़ना लिखना नहीं आता और एक आलिम कुछ कहते हैं तो दूसरे आलिम कुछ कहते हैं, ऐसी हालत में क्या करें? दोनों की सुन के सोचे खूब कि किसकी बात दलील के मुताबिक है। जिसके पास दलील है उसकी माने, जिसकी दोनों अगर दलील देते हैं तो जिससे इत्मीनान होता है उसकी माने, फिर भी नहीं समझ में आ रहा इसकी बात उसके सामने पेश करके देखे उसका जवाब क्या है, उसकी बात इसके सामने पेश करके देखे जवाब क्या है। जिसकी बात एंड में पावरफुल लगती है उसकी माने, इससे ज़्यादा कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा हाकिम बनाकर यमन का काजी, तो उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल मुझको फ़ैसला करने नहीं आता, तो कहा कि काम करो तुम पहले आदमी के यानी केस जब तुम्हारे पास आए तो पहले के फेवर में उस वक्त तक फ़ैसला मत देना जब तक कि दूसरे की सुनते नहीं। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा, यानी दोनों की बात जब सुनेंगे तो अपने आप हक निखर के सामने आ जाता है कि किसकी बात में ज़्यादा वज़न है, वरना पहला आदमी हमेशा सही लगता है। सलातु तस्बीह क्या बिदात है? सलातु तस्बीह में उलमा में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि वह हदीस सही है, बाज़ कहते हैं सही नहीं है। मैं समझता हूँ वक्त होने आया है। क्या हम और जमातों की तरह सिर्फ तौहीद और फ़र्ज़ में रहेंगे, या आज की उम्मत का जो हाल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का हम ख्याल कर रखते सलफ़ के तरीके से इसका हल काम कर सकते हैं? जो भी है, क्या हम दूसरी जमातों की तरह सिर्फ तौहीद और फ़राइज़ वग़ैरह के बारे में बात करते रहेंगे, या हमको पॉलिटिक्स में भी कूदना चाहिए? देखिए, जो काम आता नहीं वो करना नहीं चाहिए। मुसलमानों में आज इतनी लियाकत नहीं है कि एक ढंग का पॉलिटिशियन आप हमको बताओ पूरे इंडिया में कोई है, क़ियादत है अपने पास आज कि कोई ऐसा आदमी जो पूरे मुल्क के मुसलमानों को बिल्कुल सही रहबरी दे सकता हो, जो दीन का भी आलिम हो और जो दुनिया का भी माहिर हो। एक नाम आप सोचो, अब सोचो फिर पॉलिटिक्स में कौन आते हैं? सब लूट मार करके, मार पीट करके, जब उनको कुछ नहीं होता तो अपने हराम धंधे सही करने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं, या कोई अच्छा आदमी भी आ जाता है उसके अंदर कि जो चाहता है, लोग बोलते हैं तुम भी खड़े हो जाओ, कोई टीचर होता है, कोई क्या होता है, तो वो आ जाता है। तो ऐसा कोई वाकई कायद है? हमारे पास नहीं है कोई भी ऐसा कायद। और आज एक आदमी खड़े होता है यहाँ से इलेक्शन में, दूसरी पार्टी क्या करती? दूसरे मुसलमान को उसी के वार्ड में खड़ा करती, तो भी खड़ा हो जा, हम तेरा टिकट निकालते हैं, तुझको टिकट देते हैं, इसके वोट आधे वो खा जाता है। इतना शऊर मुसलमानों में आज नहीं है कि मजमूई फ़ायदे के लिए ज़ाती कुर्बानी दें, इतना भी नहीं है। मस्जिद और गली गली घर घर में झगड़े हैं, तो आज क्या हम इस लियाकत हैं हमारी? हमको कुछ भी करने नहीं आता अभी, इसलिए कम से कम पहले नमाज तो सही कर लें हम, क़यामत के दिन यहाँ इलेक्शन में खड़े होने से ज़्यादा क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने की तैयारी पहले करना चाहिए। वो बड़ा सिलेक्शन है, वो जन्नत का सिलेक्शन है वो। तो हमारी दावत ये नहीं है, देखिए इसको याद रखिए, हमारे नज़दीक सियासत दीन का हिस्सा है, दीन सियासत का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए क्या है, मेन सियासत है, उसमें से दीन भी है, छठी उंगली, ऐसा दीन भी तो है। ऐसा कुछ लोग, हमारे ऐसा नहीं, हमारे ऐसा दीन मेन है, सियासत उसमें एक शोबा है, वो भी इस्लामी उसूलों के तहत। न ये कि आदमी फिर उसके अंदर पूरा बेहयाई पर उतर आए और सब हराम काम करना शुरू करे, पैसे पैसे बांट बांट के वोट खरीदे, इस सारी चीज़ें इस्लाम में इस तरह की नहीं है। राय ये कि मुसलमानों के जो हालात आज दुनिया में हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए जो हमारे बस में है वो करना चाहिए।
दुनिया में कितने मुसलमान भूखे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? आप जा रहे हैं उनके लिए खाना खिलाने को, उनको कितने नंगे हैं उनको पहनाने के लिए जा रहे, कितनी बच्चियाँ भाग के जा रही है घरों से गैर मुस्लिमों के साथ, आप उनकी फ़िक्र कर रहे हैं। और बहुत सारे मसाइल हैं। सिर्फ न्यूज़ में कोई चीज़ देख लेने से आदमी जोश में आ जाए और सोचने लगे कि कुछ तो होना चाहिए, इराक ने उस पर हमला करना चाहिए, अमेरिका पे इधर ये होना चाहिए। ये बातें हैं, जो चीज़ हम कर नहीं सकते उसके बारे में टाइम पास करने में कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ करने की है वो क्या है, घरों का जायज़ा लें, कलीमा पढ़ने आता कि नहीं आता, नमाज आती कि नहीं आती, तहारत के मसाइल मालूम कि नहीं, अखलाक कहाँ जा रहे, अल्लाह और उसके रसूल की बातें मालूम है कि नहीं है, ज़िंदगियों में दीन है कि नहीं है, ये काम करने के हैं। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उम्मत को बचाने से पहले अपने आप को और घर वालों को बचाओ। अगर मुसलमान इसकी फ़िक्र कर ले तो पहले ये लेवल का काम है। जब ये अच्छे से हो जाएगा फिर बड़े बड़े मसले उम्मत के हैं। जो छोटे काम नहीं कर रहा आप उसको बड़ा जॉब दे सकते? आपके यहाँ एक आदमी सीधा ग्लास ला के नहीं रख सकता, आप उसको बड़ी इंजन और मशीन ला के रखने के लिए बोलेंगे? 10 बार ग्लास गिराता हो उसको आप कीमती चीज़ें आप लाने के लिए बोलेंगे? नहीं, ये काम नहीं ढंग से कर रहा वो कैसा करेगा वो। इसीलिए आप देखिए मूसा अलैहि सलाम के वक्त में जब यानी तालूत का मामला आया तो एक इम्तहान लिया गया कि एक बीच में दरिया या नदी आएगी, उससे जो पी लिया वो गया काम से, जो नहीं पिएगा वो टिकेगा, वो इम्तहान था। अक्सरियत ने पिया। आज हमारी कौम उस लायक है क्या? पहले आप देखो कि वाकई कोई बड़ा काम करने की पोजीशन में मुसलमान है? एक आदमी कुछ करने लगा दूसरा उसकी टांग खींचता और गला हाथ में आया तो पहले दबाता उसका। यह आज हमारा हाल है। हम इत्तेहाद से एक मस्जिद नहीं चला सकते, हम पूरी हुकूमत चलाएंगे। क्या होगा एक जमात दूसरी बार, आज हुकूमत नहीं है तो एक जमात जाके पुलिस चौकी में कमिश्नर के पास कंप्लेंट देती, ये लोग टेररिस्ट है इनको डालो अंदर, ऐसा करते हैं। आज हुकूमत नहीं है तो यह हाल है, सूली चौक में ला के फांसी दे देंगे लोग एक दूसरे को, जमातों को, है कि नहीं? करेंगे। गवर्नमेंट आ गई हमारी तो ये जमात वाले वो जमात को मार डालेंगे, वो जमात वो लोग फायर कर देंगे उसको, पूरे घर घर में जाके मारेंगे। आज हुकूमत नहीं है, ये भी अल्लाह का एहसान है अपने हाथ में, वरना दूसरों के मिटाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद एक दूसरे को मिटा के फ्यूचर के लिए गलत नमूना बन जाएंगे, हिस्ट्री बन जाएंगे हम लोग, अल्लाह ताला समझता फरमाए। तो सियासत एक जिम्मेदारी है, मुसलमानों को आलमी हालात में ख़बरदार करके उनको रहबरी देना ये भी जिम्मेदारी, लेकिन सब छोड़ के ये करना ये जहालत है। चारों इमाम अगर बरहक थे तो फिर चारों में इतना फ़र्क क्यों? इसलिए कि जो उन तक पहुँचा उन्होंने इसके मुताबिक फ़ैसला लिया, किसी तक ज़्यादा बातें पहुँची किसी तक कम, किसी को समझने में कुछ मतलब लिया किसी ने कुछ मतलब लिया। वो बुरे लोग नहीं थे, वो अच्छे लोग थे, लेकिन फ़हम के इख्तलाफ की वजह से उनमें इख्तलाफ हुआ। फ़ुरू मसाइल के इख्तलाफ की बिना पर लोगों से क़ता ताल्लुक़ करते हैं और सलाम कलाम तक बंद करते हैं, इसका क्या हाल है? इसका हाल ये कि फ़ौरन सलाम शुरू कर दें और इस बात को याद रखें कि जो भी बात किताब सुन्नत के मुताबिक है वो आखिरी दलील है। अगर उसके बाद भी कोई अपनी बात पर कायम है तब भी उससे ताल्लुकात रखें, सलाम कलाम बाकी रखें। इमाम शाफ़ी का एक से इख्तलाफ हुआ यूनुस इब्ने उबैद से, उन्होंने बहस मुबासे के बाद में कहा, हाथ पकड़ के कहा कि अला यस्तकीम, क्या ये बात ठीक नहीं लगती है कि अन नकून इख्वानन व इल्लम नत्तफिक फी मसअला, क्या ये बात अच्छी नहीं है कि हम भाई भाई अब भी बाकी रहें जबकि हम में इस मसले में इत्तेफाक़ नहीं, इख्तलाफ है, इख्तलाफ के बावजूद भाई नहीं बन सकते? बन सकते, बन सकते, कोई मसला नहीं है। हक बात बता दें, मानने वाला मानेगा, नहीं मानने वाला नहीं मानेगा, झगड़ा नहीं करना। एक इल्मी इख्तलाफ को झगड़ा नहीं बनाना चाहिए। आपने मगरिब नमाज में पहली रकात में अलकारिया पढ़ी फिर वत्तीन पढ़ी, क्या है तरतीब के ख़िलाफ़ नहीं है? कोई मसला नहीं है, आगे पीछे अगर तरतीब होती है तो इसकी कोई ममानियत नहीं है और ख़ुद सहाबा से इस तरह से साबित है। तो रज़ी अल्लाह तआला से सूरह यूसुफ़ और सूरह हूद में आगे पीछे करना फजर की नमाज में साबित है, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ काफ़ी हो गए, इसलिए कि सवाल ख़त्म नहीं होते हैं। तसव्वुफ़ पीरी मुरीदी सिलसिले की बैत करने वाले इमाम की इख्तिताम नमाज का अदा करना कैसा है? मैंने जैसे बताया कि कोई गलत अकीदे वाला शिरकियात और कुफ्रियात में पड़ा हुआ हो, अगर उसको बताने के बावजूद भी नहीं मानता है तो फिर उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए।